So, hello MLBB champions. Welcome again in Arunachal Extreme Gamer Season 1. आज है ग्रैंड फिनाले. तो अभी तक टोटल 16 टीम्स आए थे, पार्टिसिपेट किए थे. उनमें से अभी तक हम लोगों को अभी तक 4 टीम मिल चुका है, जो बेस्ट 4 टीम्स. तो आज होगा फिनाले, आज होगा चैंपियन का डिक्लेरेशन. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर तो आज का रूल्स मैं बता देता हूँ थोड़ा से. तो हम लोग मैच फिक्सर जो है वो स्पिन से करने वाले हैं. तो यहाँ पे टीम्स, जो 4 टीम्स है उसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो अभी स्पिन करेगा उसका, फिर यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन कौन खेलने वाला है फर्स्ट मैच में. और गेम पैटर्न ऐसा है कि मैच 1 एंड मैच 2 होगा. तो मैच 1 में एक प्लेयर होगा, तो उसमें से जो भी हारेगा वो डायरेक्ट नॉकआउट है. वैसे ही सेम चलेगा. उसके बाद फाइनल में क्या होने वाला है कि फाइनल में आपका मैच 1 का जो विनर रहेगा और मैच 2 का जो विनर रहेगा, वो दोनों के बीच में बैटल होगा और वो होगा बेस्ट ऑफ 3. तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा. तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. और अभी तक आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर नहीं किए तो प्लीज शेयर कर दो. एंड इस बीच में अगर इस बीच में कुछ साउंड का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. साउंड अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे भी मैं सॉल्व कर दूंगा अभी.
चलो फिर तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग व्हील ऑफ द स्पिन को स्पिन करने वाले हैं। तो लेट्स सी, तब अभी स्टार्ट होगा ब्रो, अभी हो जाएगा, चिंता मत करो। ये पहले स्पिन तो कर लो, कौन कौन फर्स्ट खेलने वाला है, तो इसको लीडर्स को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है ना थोड़ा सा। और पांच और एक 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 मिनट ऐसा वेट। तो गाइस थोड़ा शेयर कर दो और लाइक भी कर दो यार, अभी तक स्ट्रीमिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो और लाइक भी कर दो। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये होगा मैच वन के लिए, कौन कौन होने वाला है लेट्स सी। इससे पहले मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग किस किनका मैच देखना चाहते हैं फर्स्ट मैच में। तो टीम का नाम है टीम क्राई, टीम बफ, एपिक फॉरएवर और निंजास पजामास। तो किस किस को आप देखना चाहते हैं पहले एक बार कमेंट कर लो, उसके बाद हम लोग स्पिन स्टार्ट करेंगे। माफ वर्सेस क्राई आप लोग देखना चाहते हैं। ओके लेट्स सी, तो इस अभी तो स्पिन में ही पता चलेगा। ये सबसे फेयर है, आप लोग स्पिन क्यों कर रहा है बोलने से, ये सबसे फेयर है। यहाँ पे कोई भी मतलब यहाँ हम लोग का ऊपर भी डिसीजन नहीं है कि कौन कौन खेलने वाला है इसके लिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट मैच के लिए कौन कौन होने वाला है लेट्स सी। ओके तो लेफ्ट कॉर्नर में हम लोगों को मिल चुका है निंजास इन पजामा होगा। और अब इसके बाद निंजा इन पजामा वर्सेस कौन होने वाला है लेट्स सी। टीम बफ। सो गाइस ये मिल चुका है निंजा से पजामा वर्सेस टीम बफ। निंजा से पजामा लेफ्ट साइड, इसके बाद एपिक फॉरएवर और ये आपका ये टीम बफ। ओके तो ऑडियंस का जो चाहता था वो नहीं हुआ है। अब क्या करूं, तोरा होने से होने वाला था, कोई बात नहीं। शायद आप लोगों को फाइनल फाइनल राउंड में देखने को मिलेगा शायद टीम क्राई वर्सेस टीम मॉप।
सो गाइस एक अनाउंसमेंट है छोटा सा। जो फर्स्ट टीम था टीम निंजास इन पजामा वर्सेस टीम माफ, तो ये लोग कुछ कारण से अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये क्योंकि एक फ्रेंडली टूर्नामेंट है तो हम लोग थोड़ा एक्सक्यूज करते हैं। तो हम लोग अभी क्या करने वाला है कि री स्पिन करने वाले हैं। तो री स्पिन सब टीम्स लोग को पूछा गया है तो सब टीम्स लोग ने बोला है कि री स्पिन कर दो। तो री स्पिन में जो हुआ देखा जाएगा उनके, तो इसलिए थोड़ा से और थोड़ा से वेट करते हैं फिर जस्ट 5 मिनट। तब तक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया हुआ है प्रीवियस मैच का, प्रीवियस लाइव का, जो कि था सेमीफाइनल। तो तब तक के लिए आप लोग उधर में जा के आप देख सकते हैं अगर आपको देखने का इच्छा है तो। So guys, तो फिर से स्पिन करके देखते हैं क्या होगा इस बार फिर। So, तो फर्स्ट होने वाला है टीम क्राइ जो कि होगा लेफ्ट कॉर्नर पे। तो उसका अपोनेंट कौन होने वाला है, लेट्स सी। Ninjas in pajamas. Okay. Team Cry. देख लिया? लाइव देख लिया ना? हाँ, चलो चलो वो कौन देख रहा है? लेफ्ट में होगा Team Cry. Team Cry इस साइड देख जाओ, ठीक है? और टीम ये जो Ninjas pajamas इस साइड हो गया है स्पीड। तो यहाँ आप सबको पता चल चुका है कौन कौन है। तो लेफ्ट कॉर्नर में है टीम राय, और राइट कॉर्नर में है आपका टीम जो सिर्फ पता हो। तो
सो पार्टिसिपेंट्स का नेम्स ये है, आप यहाँ देख सकते हैं। टीम ट्राई का आज दोनों टीम अपना सब्स्टिट्यूट प्लेयर यूज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं वो अभी आगे पता चल जाएगा। गाइस यहाँ टीम्स जुड़ रहे हैं तो निंजा सिर्फ पजामास का एक टीम थोड़ा प्रो में घुस गया था तो थोड़ा से वेट करते हैं उसका, जस्ट समय नहीं लगे अभी खत्म होने वाला मैच, गलती से घुस गया था अभी आ जाएगा चिंता मत करो। तो आज हम लोगों का चीफ गेस्ट कोई नहीं है क्योंकि चीफ गेस्ट बुलाने से थोड़ा लंबा चौड़ा समय ले लेता है, इसलिए चीफ गेस्ट आज के लिए कैंसिल कर दिया है।
कपड़ा ब्रो स्टार्ट करने वाला है, चिंता मत करो। ये निंजा सिंह पजामास का एक टीम मेंबर ये रोल में घुस गया था, अभी खत्म होने वाला है, चिंता मत करो। और तब तक क्या ये साउंड सिस्टम ठीक है क्या? एक बार थोड़ा से कमेंट कर दूंगा। और ये क्या आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया है? अभी तक कम से कम एक लाइक तो कर दो। और यहाँ पे क्या चल रहा है? 10 वोट आया है, 10 वोट में से आपका 40% है दीप राय के ऊपर भरोसा कर रहा है, सब लोग जीतेगा बोल के। लेट्स सी। तो सबसे ऑडियंस का तरफ से सबसे टॉप टीम है दीप राय, सेकंड है आपका दीप माफ, और थर्ड है निंजा सिंह पजामा, और सबसे लास्ट है एपिक कोरे। तो नहीं, यहाँ पे फिर एक वोट आ चुका है और एक 11 वोट हो चुका है। तो टीम माफ एंड टीम क्राय ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, 36% 36%। बढ़िया। अरे बैकग्राउंड नॉइस अभी आएगा तो यहाँ पे पूरा आपका क्या बोलेगा, ऑडियंस लुक भी पूरा जमा हो गया ना, अभी क्राउड इतना ज्यादा है कि क्या बोलेगा, अल्लाह हो रहा है। और ट्रक का भी आवाज आ रहा है, रुको थोड़ा, दरवाजा को बंद कर देगा तुम तो। क्या बोल रहे हैं? अभी तक 15 वोट आ चुके हैं और टीम माफ एंड टीम क्राय अभी तक सेम में चल रहा है, 40% दोनों के दोनों टीम फोटे, और बाकी तो निंजा पजामा 30% हो गया एंड एपिक फॉरएवर 7%। चलो यार ये क्या हो रहा है, कोई एक को तो विनर बनना पड़ेगा ना, ऐसा बराबर का चलने से नहीं होगा ना। चलो जो जितने भी फॉलोवर्स हैं ऑनलाइन चैनल एक्सट्रीम गेमर्स एम पी स्क्वायर जोन का, प्लीज आ जाइए और एक लाइक कर दीजिए, और प्लीज स्ट्रीम को शेयर भी कर दो। ओके, तो 18 बोर्ड्स आ चुके हैं, 18 बोर्ड्स में से टीम माफ 50% हो चुका है। ओके, एंटिंग क्राई 33%। ओके चलो, अभी तक 19 मिनट्स हो चुका है, 19 मिनट्स में 18 बोर्ड्स। ओके, एपिक फॉरएवर को तो कोई वोट ही नहीं कर रहा लग रहा है। नहीं, एपिक फॉरएवर है यहाँ पे। एक्चुअली मैं फर्स्ट स्पिन जो किया था उसको कैंसिल कर दिया गया है, तो ये दोबारा री स्पिन करके ये टीम को अभी ये कर रहा है। री स्पिन कर रहा है ये एपिक फॉरएवर, सेमीफाइनल में निकल गया था, लेकिन ये हुआ था क्या बोलते हैं इसको, वाइल्ड कार्ड एक हुआ था, बैटल हुआ था, तो वाइल्ड कार्ड पे ये एपिक फॉरएवर का नाम आ चुका है। तो एपिक फॉरएवर हम लोगों का वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला है, किस्मत है इसका भी, इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है। एंड बाकी टीम्स तो क्या बोलेगा, अपने अपने जीते पूरा, निंजा सिंह पजामास भी अपना खुद का टैलेंट है, टीम क्राई भी टैलेंटेड है, स्किल्ड है, मतलब एकदम इमोर्टल का है लगता है सब लोग। ओके, तो 19 वोट्स आ चुके हैं, 19 वोट्स में से 3 माफ को मिला है, 20 वोट्स आ चुका है,
20 वोट्स से आपका टीम माफ 55%, टीम क्राई 30%। ओके चलो, तो जब उसका मैच आएगा तभी ना साउट ऑफ दे देगा, लेकिन भी फिर भी चलो अभी भी दे देता हूँ। तो बीबो जो कि है एपिक फोर एवर का गोल्ड लेडर, सब लोग उसके लिए तालियां बजा दो यार। यहाँ आ चुका है 22 वोट्स, टीम माफ को मिला है 59%। लगता है पूरा का पूरा टीम माफ कहीं जा रहा है अभी। ऑडियंस का सोच क्या होगा अभी, वो तो आगे बैटल में ही बता पाएगा। ये है स्ट्रेटेजिक गेम, किस्मत का बात नहीं है यहाँ पे स्किल्स का बात है। स्किल जिसका पास स्किल है वो ही जीतने वाला है यहाँ पे। किस्मत का भरोसा लेके आएगा तो वो तो कभी नहीं होगा, स्किल लेके आना पड़ेगा, जो कि ये पूरे चार टीम के साथ बराबर का स्किल है। टीम बाप जीत गया इजी। ओके देखते हैं आगे क्या होगा, टीम बाप को भी टक्कर देने वाला है। तो यहाँ पे टीम क्राई है, निंजा सिंह पजामास है, तो अभी देखते हैं, अभी टीम क्राई वर्सेस होने वाला है निंजा सिंह पजामा। ओके तो स्क्रीन पे ये है पार्टिसिपेंट्स का नेम, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सब है नाम। तो ये मैच वन होगा, इसके बाद मैच टू होने वाला है तुरंत। ओके सो टीम्स आ चुके हैं, देख लिया है ना, तो यहाँ पे अभी बैन होने वाला है। तो अभी चैट में दोनों टीम दो हीरोज को बैन करने वाले हैं। तो ये कौन बैन किया है? ओके टीम क्राई का तरफ से है फेराबिस और एक्सपोर्ट, ध्यान दीजिए, टीम क्राई का तरफ से है फेराबिस और एक्सपोर्ट। अभी निंजा सिंह पजामा क्या बैन करने वाले हैं देखते हैं। तो सिस्टम ऐसा है कि चैट में दो हीरो को बैन करने का मौका मिलेगा और गेम के अंदर घुसने के बाद और तीन हीरो को बैन करने का मौका मिलेगा। तो हर एक टीम को कम से कम पांच हीरोज को बैन करने का मौका मिलेगा। और एक अनाउंसमेंट था, जो नया हीरो आया हुआ है
वो टोटली बैन है यहाँ, नया हीरो जो आया हुआ है ना उसको टोटली बैन करके रखा हुआ है, तो उसको कोई पिक नहीं करना है। ओके तो निंजा जिन पजामास का तरफ से है नाटान है टाइग्रिल, तो इससे मैं एक बार स्क्रीन शॉट मार लेता हूँ फट से। रुको रुको गाइस, हो चुका है स्टार्ट। योर टीम इज बैनिंग। तो जो नया हीरोस आए हैं, नया हीरो एक आया हुआ है तो उसे बैन कर दिया गया है। काइंडनेस इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू रुइनेशन। Why my name is too long? Wow, welcome bro. इतना नाम इतना बड़ा है। Next one, welcome. सभी को welcome. अभी तो जो भी आए हैं। आप लोग इतना support कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और भी क्या बोलते हैं उसे बढ़िया बढ़िया टूर्नामेंट्स लेके आऊँ आप सबके सामने। ऑनलाइन में मतलब आपका आप घर में बैठ के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑफलाइन मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर वेन्यू देगा उसमें आपको आना पड़ेगा। ओके लेट्स सी अभी आगे क्या होगा। और ले चेक को हाइड करो ना। होप विल फाइंड अ वे इवन व्हेन ऑल इज फॉरलॉर्न। रहने देते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर टू लॉन्ग। Take the field. Your team is picking. Okay. ये तो से ना और ले चल तो आप करें तो कुछ आपका केरी क्या बोला था इस चीज। तो अभी दीप क्राई का ये थर्ड बैंड है, थर्ड बैंड क्या करने वाले है अभी थर्ड बैंड क्या होगा। तो नीता सिंह पजामास का भी हाइपर बच गया है, एक जंबलर और एक एक एक्सपीलेनर चाहिए। एंड वही डीप क्राई का अभी एक जंबलर और एक इसका भी एक जंबलर चाहिए और एक बीड लेनर चाहिए। पजामास का जगलर मिल चुका है जो कि है एथ्रेट। टीम क्राई का बीट लेनर एंड जगलर कौन कौन होने वाला है, कोई एनी गेस, कोई गेस कर पाएगा। अरे यार ठीक है तो Alpha is online. Your team is picking.
किसी किसी को यह होता है ना आपका क्या बोलते हैं होगा तब तो इसको तो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब कैसे लग रहा है The night sky tells all. रहने देते हैं ना कुछ नहीं ना चलो कैथी ब्राई का अभी भी तो सब लाइनअप देख सकते हैं आप लाइनअप तो बढ़िया चल रहा है तो अब यहाँ पे भी चैट आ गया ओवरले चैट क्या करूँ ऐसे तो करना ही पड़ेगा क्या मेरा वॉइस ठीक ठाक आ रहा है ना सबको Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. And all troops deployed. So let's see, कहाँ से शुरू करें? Oh, Matilda यहाँ पे ऊपर पहुँच गया था. वो invade करने का कोशिश. ये आसानी से फेजविन अपना ब्लू बफ ले चुका है. रायु भी सी डोमिनेट कर रहा है स्टार्टिंग पे गैस बेल रखो एंड वो ये इसके आपके यहाँ पे चार और ये बच गया चिकोसिस एंड थैंक यू why my name is too long thank you so much एक्चुअली थोड़ा सर्दी है ना यार कुछ दिन से बहुत सर्दी लगा हुआ है और ये चुप ही नहीं रहा है क्या करूँ इसका यार बॉटम लेन में क्या हो रहा है तुम रो रहे से अभी तो गया ये सो फर्स्ट ब्लड मिल चुका है आपका अल्फा को जो कि टीम क्राई की टीम क्राई का जंगलर मैजिक भी लेवल 4 हो चुका है ये एसएल का अभी से डोमिनेट कर रही क्या क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ होने वाला है लग रहा है यहाँ पे कुछ फायदा होने वाला है पेट्रिन पेट्रिन वर्सेस अल्फा पेट्रिन वर्सेस अल्फा होने वाला है अरे चलो गोल्ड गोल्ड में डिफरेंस आ चुका है ज्यादा तो नहीं है 600-700 का है कुछ डिफरेंस अब ये फर्स्ट टोटल सिसी सिसी को मारना है ना आसान नहीं है लेकिन लेकिन यहाँ फाइट शुरू हो चुका है इतना जल्दी नाइस So yeah, I scored 2-1. Big try 2 kills and Ninja in Pajama 1 kill. First total मेरे ख्याल से आसानी से मिलेगा मिल चुका है आपका टीम ट्राई को चलो चलो टीम Ninja in Pajama you can do it बॉटम लेन में यहाँ अभी डोमिनेट कर रहा है पूरा कैरी को ब्रूनो चलो भाई देखते हैं ऊपर एस बिल्डर नहीं बच पाएगा सेसी से तो बच्चों के लिए पेट्रिन पहुंच चुका है पेट्रिन क्या करने वाला है पेट्रिन क्या करने वाला सेसी का ये चीज है ना इरिटेटिंग वाला बच गया, बच गया, बच गया। नाइस।
विक्सेना का टाइमिंग थोड़ा कमजोर है। I don't know why did we get smell that. अच्छा तो सिसी का काउंटर कौन हो सकता है, कौन बता सकता है यहाँ पे, कोई बता सकता है सिसी का काउंटर? क्योंकि हमारा बाकी ऑडियंस को भी पता चले कि सिसी अगर ओपोनेंट में है तो आपको क्या पिक करना चाहिए एक्सपी लेनर के लिए। देखो सिसी है नेस्मेल डाउन या बॉटम लेन में ही क्या फाइट होने वाला है, थोड़ा इससे मैं परा कर देता हूँ। फेट्रिन फेट्रिन इतना डैमेज, बा दोनों का डैमेज। फेट्रिन यार मैंने लगा केरी, वाह केरी का डैमेज नहीं आ रहा यार, केरी का डैमेज नहीं आ रहा, केरी का डैमेज नहीं आ रहा। सिसी तो घर में घुस घुस के मार रहा है यार, और ये सेकंड टर्टल भी टीम क्राई का होने वाला है। अभी भी लेट नहीं हुआ है, गोल्ड में तो बहुत डिफरेंस आ चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं गोल्ड में आपका बहुत डिफरेंस आ चुका है। इससे अभी क्या होगा, इधर नहीं फाइट नहीं लेना चाहते हैं स्पेल का अभी। बॉटम लेन का एक तरह गिर चुका है, ने कहा है बेंडिटा तो बाकी के मेंबर्स, बाकी के जो फॉलोवर्स है कमेंट कर दो। नाइस क्या बढ़िया लग रहा है का अल्टी भी वेस्ट हो गया है। तो वाह ये देखो स्वैप कर लिया है, टीम क्राय का स्ट्रेटजी देखो, ब्रूनो का डैमेज आ गया, इतना दुमा दे ब्रूनो, लेकिन आखिरकार एस्पेंडर ने कोई बात नहीं, बच गया बच गया बच गया, मिडलैंड ले लिया इतना। तीसरा सर्कल भी मिल चुका है अपना टीम क्राई को, इस बंदा तो बहुत कमजोर लग रहा है इसमें भी। अल्फा तो अल्फा है यार, क्या बोलेगा। चलो केरी अपना जैसे तैसे काम कर रहा है, देखते हैं केरी की कितना दूर तक काम करेगा। सात हजार का डिफरेंस है, वाह 7000 डिफरेंस तो मामूली नहीं है ना यार। इसी का डैमेज यहाँ गोल्ड डिफरेंस बनेगा, वजह से
सीजन की पैदावार सर थोड़ा डैमेज कम हो गया है, तो डैमेज वैक्सीन क्या बिल कर रहे हैं, वैक्सीन का अभी तक एक आइटम ही बन पाया है, मुझे ले लिया था आपका ऑलमोस्ट दो आइटम बन चुका है। निंजा सिंह पजामा बहुत कमजोर सा दिख रहा है, ये बात तो खत्म नहीं हुआ है, यहाँ अच्छे हैं घर का वही लोड फर्स्ट हो गई है, फर्स्ट लोड आसानी से हो चुका है, तीन फ्लाई का लोड आगे बढ़ रहा है आपका फुल एचडी पे, ये है टीम क्राई का लोड। अब निंजा सिंह पजामास का क्या स्ट्रेटजी रहेगा, क्या करने वाला है निंजा सिंह पजामास, ये अच्छा सा होगा। देखो ना यार, ये अल्फा को लेवल 14 पहुंच चुका है, चलो ये फर्स्ट लोड है मेरे ख्याल से, फर्स्ट लोड को आसानी से टैकल कर लेगा, काउंटर कर लेगा। तो यहाँ एसपेल ने अपना अल्टी वेस्ट कर दिया है, केड़ी का भी अल्टी वापस आ चुका है, वैक्सीना का अल्टी यूज हो चुका है, एंड मुर्गी का टीम क्राई का ऑलमोस्ट सबका अल्टी बचा हुआ है। ओ ले लिया तो डैमेज, क्या डैमेज है यार, निंजा सिंह पजामा का हाइपर बूम है। अरे यार ये मैसेज मैं जरूर पहुंचाऊंगा इनके इनको पेट्रिन को, वो मिलता हूँ वो क्या लगता है अभी ऑडियंस, अभी गेम खत्म होगा क्या, मेरे ख्याल से अभी गेम खत्म कर रहे हैं, लॉट के इंतजार कर रहे हैं, लॉट के बिना गेम खत्म नहीं करते, अभी तक ऐसा हुआ नहीं लॉट का बिना गेम खत्म किया है कोई, लेकिन अच्छा टक्कर दे रहा है निंजा सिंह पजामा, अभी तक 13 मिनट्स हो चुके हैं, तो 13 मिनट्स भी दबे रहना बात नहीं है, बाकी तीन लोग तो लोड आने से पहले ही गेम खत्म हो जाता था। ये तो क्या, ये सेकंड लोड पे गेम खत्म होने वाला है, इस लोड अभी तक अपना आप इस चीज को करते हुए यहाँ ताजी पर
अपना बात कर ली है तो आप ये डायरेक्ट फाइनल पहुंच गए हैं, फाइनल राउंड के लिए वेट करते हैं। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट राउंड। तो अब इस टीम होगा मैच टू के लिए, तो दो टीम ही बन चुका है, लेकिन अभी ये देखना है कि लेफ्ट कॉर्नर में कौन होने वाला है। लेट्स स्पिन लेफ्ट कॉर्नर में कौन होने वाला है। ओके सो इपिक फॉरएवर, इपिक फॉरएवर है आपका लेफ्ट कॉर्नर पे। If the goal of working is to retire, let's just skip to the good part. Race you to the beach! फर्स्ट मैच तो हार चुका है निंजा सिंह पजामास, तो वो हमारा तो फोर टीम था, तो फोर्थ नंबर में है निंजा सिंह पजामा। अब देखते हैं टीम ऑफ वर्सेस पिक फॉरएवर का बीच में होगा बैटल, तो लेट्स सी अभी आगे क्या होगा। तो ये आ चुका है समय है बैनिंग का, बैन करने का समय। सुबह
गाइस अभी ताली बजा रही है, ऑफलाइन हो रहा है क्या? हाँ यस ब्रो, ऑफलाइन हो रहा है, ये ऑफलाइन टूर्नामेंट है। तो ये वेन्यू है आपका चंदा नगर, और चिंपू, सॉरी चिंपू, तो यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे सब पार्टिसिपेंट्स लोग सब लोग आए हैं, और सब उनके जो सपोर्टर्स हैं वो लोग भी आए हैं। एंड तो अब है बैटल, बताता हूँ आप सबको इनके बीच होने वाला, मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं सेट करता हूँ, your team is banning. Gaze upon the edge of the void. Okay. तो 54 वोट के वोट्स आए हैं। तो 54 वोट्स में से टीम माफ को मिला है 57%। लगता है टीम माफ जीतने वाला है। नहीं नहीं अभी फाइनल, हाँ ये फाइनल की ग्रैंड फिनाले है, लेकिन अभी फाइनल मैच अभी तक नहीं है, ये मैच 2 चल रहा है अभी। तो मैच 1 हो चुका है, मैच 1 हुआ है आपका टीम ट्रॉय वर्सेस निंजा इन पजामास का बीच में। तो अब ये मैच 2 है, मैच 2 में होने हो रहा है आपका इपिक फॉरएवर वर्सेस टीम मार्क। जैसे जो भी जीतेगा वो फिर आपका और एक मतलब इसके बाद जो मैच होने वाला है वो होगा मैच 1 का विनर वर्सेस मैच 2 का विनर। हाँ हाँ भाई आज ही होगा ये, अभी तो खत्म ही हो जाएगा अभी ये मैच 2 ये लास्ट है, इसके बाद और एक मैच होगा जिसमें होगा आपका मैच 1 वर्सेस मैच 2 होगा, मतलब मैच 1 का विनर वर्सेस मैच 2 का विनर होगा, मैच तो 3 होगा वो, उसके बाद खत्म हो जाएगा फाइनल है ये। तो टूर्नामेंट सीजन 1 का जो आज मिल जाएगा आपको। I didn't cure the pain. Your team is guys, अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं। विनर प्राइस पूल था आपका 20K, तो विनर तो बाद में हम लोग डिसाइड, मतलब एक्चुअली मुझे भी पता नहीं है, मैं जस्ट होस्ट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि प्राइस पूल था आपका 20K, अभी उसमें से कितना कितना किसका है वो पता नहीं मुझे। हाँ 20K था। Your team is banning. To live is to trick the Reaper.
एक्चुअली इससे पहले किसी ने भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, इसलिए मैं होमवर्क करके ले आया। Suzu, hello, Suzu. Exorcist of the dragon spirit here. Your team is picking. 70k तो अभी तक नहीं मिले। हाँ, nice, Suzu, nice. I am with Epic Forever. बढ़िया। तो vote भी कर दो उसके लिए, Epic Forever को vote कर लिया क्या? तो यहाँ तो पोल तो कुछ अलग ही बता रहे हैं नजारा। Epic Forever के लिए सिर्फ 60% मिला है। कम से कम 56 लोगों ने वोट्स किए हैं, तो 56 लोगों में से आपका अगर टीम क्राई को 20%, Epic Forever को 16% एंड निंजा इन पजामास को 5%। चलो, निंजा इन पजामास तो हार चुका है, अब किसकी बारी है, टीम माफ या फिर Epic Forever? Let's see. And final में मजा आने वाला है, मतलब इसके बाद जो मैच होगा ना वो का साथ होगा तो वो देखने में मजा आएगा। So, lineup तो देख सकते हैं, lineup तो Epic Forever है ऊपर पे, टीम माफ है नीचे है। एंड आप लोग अभी तक ये स्ट्रीमिंग को शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर कर दो अपने दोस्तों से, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। Welcome to Mobile Legends. So, 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Battle. Smash. Battle पे चलते हैं अभी। All troops deployed. I hope मेरा आवाज आप सब तक पहुंच रहे हैं। ओके, यहाँ थोड़ा कुछ सेकंड्स के लिए पॉज कर रहे हैं हम लोग। कुछ सेकंड्स के लिए पॉज कर रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट करना था उसके लिए। तब तक आप मुझसे बात कीजिए। टोटल 60 वोट्स मिले हैं, तो 60 लोगों ने वोट्स किए हैं, तो 60 वोट्स में से तो आपका टीम माफ के लिए है 58%, टीम क्राई के लिए 22%, टीम फॉरएवर के लिए 15%, एंड निंजास तो हार चुका है तो कोई बात नहीं। सो देखने वाला तो बहुत ज़्यादा है लेकिन लाइक करने वाला बहुत कम है, क्यों? चलो, स्टार्ट हो चुका है। बॉटम लेन में क्या है आपका, मैट्रिक्स वर्सेस ब्रूनो।
Yeah, take what this thing. यहाँ पे फाइट होने वाला है अभी क्या बोल रहे हैं फेसिंग अच्छा है मिनोटोर का पीछे से अटैक करने का लेकिन ओके चलो आप टर्टल की ओर बढ़ रहे हैं सबके साथ Nice domination. Deep bomb. थोड़ा अगर टेस्ला को मदद मिलता तो शायद इस बार बन सकता था कोई बात नहीं ये फर्स्ट टर्टल था अब और भी टर्टल बचा हुआ है अरे लीटो जो कि है कैप्टन लिनमा अच्छा नाना का आंटी यहाँ पे स्टार्ट किया है बात थोड़ी बदल गई है यूज़ ऑफ कार टॉप लेन से बॉटम लेन पहुंच चुका है इतना जल्दी बॉटम लेन में बहुत इजी है सबके सब साउथ ऑफ करो गाना ऑफ करो ठीक है अब कैसा है ऐसा पहले बताना था अभी तक तो ऑलरेडी मैच वन खत्म हो चुका है चलो कोई बात नहीं देखते ही चलो इतना सुंदर खेल रहा है यूजन क्या है बोसी इतना बाहर से फाइट कर रहा है यार बोल चुका है बोटो लेन में क्या टाइमिंग है यूजन का को मरो यूज़ ऑफ़ का देखा तो गया
मेथ्स क्या बिल्ड बना रहे हैं यूजर देख लो, तो एक आइटम तो पूरा हो चुका है एंड वही चीज लगा अभी एक आइटम पूरा हो चुका है, चलो कोई बात नहीं बराबर चल रहा है। क्या टीम बाप का जो कैप्टन है जो गेम प्ले तो बहुत बढ़िया है यार, सपोर्ट कर रहे हैं, मजा आ गया यार, मजा आ गया। फिर से और एक फाइट हो जाए, ये मैच को तो देख के लग रहा है टीम बाप मेरे ख्याल से विनर बन सकता है, ट्राई भी कुछ कर रही है। बॉटम लेन का तो तरह जा चुका है, लोगों का टारगेट है फैसला मतलब कि टॉप लेन क्या स्वैप कर रहे हैं, क्या सुंदर टाइमिंग है इनको का, अरे गेम करने वाले हैं अभी सबके सब, फैसला अपने जगह से हिल ही रहे हैं यार टॉप लेन से। पूरा यहाँ पे लास्ट दिखना पड़ रहा है यार, बता लो यार अपना लास्ट पात्र का लास्ट बता लो, बाप तो घर में घुस के पीते हैं यार, नेक्स्ट टाइम टीम क्राई लाइक एडवाइस है यूजोंग को बैन कर लो, बेस्ट है आपसे तो यूजोंग ही है सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, इतना डिफरेंस गोल्ड में भी, गोल्ड में तो 7000 का कुछ का डिफरेंस है, अभी स्कोर है 2-13, ये तो क्या बोलेगा टीम माफ के लिए बहुत इजी हो गया, कोई बात नहीं अभी भी बात बिगड़ रही है, होल्ड करो गेम को किसी फॉर एवर इपिक कमबैक हो सकता है, अगर गलती से इपिक कमबैक हो गया तो ये तो पब्लिक बुलाया हो गया यार फ्रेंड लगो बच गया, लेकिन चलो यार गेम आ गया है ड्रैगन गमन से खेल रहा है मतलब क्या बोलेगा, ओ मारो हमको तो लोड आ रहा है अपना फुल एचपी पे टॉप लेन से टीम बाफ का, तो फर्स्ट लोड को क्या टैकल कर पाएगा फॉरएवर, लेकिन फॉरएवर काफी अच्छा दे रहा है यार, तो तभी दिया वाला है कमाल नहीं कर पा रहे हैं क्या फायदे यार, कौन कुछ मर रहा
ड्रैगन बीच में ड्रैगन बन के घूम रहा है फिर घुस गया अंदर, लेकिन इस बार तो देखो यार लास्ट विक्रम पर रहे इधर जमा करूंगा यार आपका पहला क्या ये अंदर घुस गया ना ऐसे ही गलती बार बार करते रहो अच्छा है अच्छा खेल रहे थे ये केविन डैमेज भी आ गया है केविन का लेवल 12 है ओके इतना कुछ डैमेज नहीं दे क्या बना रहा है यूसो सेवी टैंक अभी तो इसको मारना और मुश्किल होगा क्या फिर से फाइट होने वाला है क्या दोस्तों ने फुल जंप करा लेता है पहले फुल जंप तो क्या हो रहा है फिर से क्या करेगा फिर से अभी टैंक को मेरे ख्याल से आगे होना चाहिए टैंक का टॉप कर रहे हैं वापस सेम मिस्टेक करने से तो कुत्तों में से कॉमेडी तो है ऐसा होता है जो टीम माफ रोएगा हो यार वन से वन तोड़ के रहेगा हो यार देखते हैं अभी क्या होगा वापस सेम गलती करेगा क्या टीम माफ सो यार लोड अब तो हाफ एसपी पे बहुत सारे आगे बढ़ सकता था अब देखते हैं आपका बोल क्या बता रहे Epic Forever is still 15% पे लेकिन अच्छा टक्कर दे रहे टीम माफ को थोड़ा ऑडियंस तो टीम माफ का सपोर्ट में है लेकिन टीम माफ को भी अच्छा टक्कर दे रहा है अभी तक 15 मिनट हो चुका है एंड दो लोड जा चुका है एक भी टर्टल नहीं मिला है आपका ये Epic Forever को लेकिन भी अच्छा टक्कर दे रहा है अभी देखते हैं लेवल 15 होने के बाद क्या होगा लेग को फ्रीज करना चाहिए था अभी मेरे क्या फॉरएवर को वापस नहीं आना चाहिए भाई लेग को फ्रीज करो ये टीम माफ का स्ट्रेटजी तो देखो लेग को क्या फ्रीज करके रखा हुआ है तो इस बार यूज ऑफ अलग करने वाला है टीम फाइट बहुत हो चुका है अभी गेम खत्म करना चाहिए Yeah.
तो गया इस बार तो पहले नहीं बच पाएगा ये तो इसी पूरे बार गलती कर दिया लग रहा है इस बार का forever गलती हो गया इस बार ये तो बहुत बड़ा गलती हो गया बहुत बड़ा गलती जैसे जैसे बाजी मार लिया लग रहा है तो गाइस कैसा लगा आप सबको मैच को देख के मजा लगा ना तो इसी तरह का अगर आपको और भी फ्यूचर्स में देखना है तो प्लीज फॉलो कर दो हम लोगों का पेज को एंड यूट्यूब पे भी चल रहा है ये सेम वीडियो ये सेम लाइव अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाएगा तो प्लीज वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर देना और लाइक तो बनता है यार इतना बढ़िया स्ट्रीमिंग चल रहा है इतना बढ़िया टीम्स आप सबको देखने को मिल रहा है तो प्लीज लाइक कर दो एंड शेयर भी कर देना हो सके तो अब लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक ज़्यादा नहीं एक दो मिनट का ब्रेक लेते हैं ताकि जो अभी कमिंग टीम है उनको थोड़ा रेस्ट मिल जाए उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करने वाले हैं तब तक आप प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके The goal of working is to retire. Let's just skip to the good part. Race you to the beach!
ओके गाइस वेलकम बैक। तो हम सब वापस आ चुके हैं, तो ब्रेक टाइम खत्म हो चुका है। तो अभी तो अभी होगा तीन माफ और तीन तो अभी ना एक बार स्पिन होगा। हाँ, लेफ्ट साइड में कौन होगा उसके लिए मानी तो हो जाएगा। हमारी रहते हैं यहाँ पे तारे लाइव ही कर रहे हैं। इनको दिखा देगा वो। तो अभी और एक बार स्पिन होगा। स्पिन होगा कौन लेफ्ट साइड होगा, किसका फर्स्ट पिक होगा उसके लिए है। टिमक्राई वो लेफ्ट साइड में होगा। सो हम लोगों को मिल चुका है। तो टीम क्राई होगा लेफ्ट साइड में एंड टीम माफ होगा राइट साइड में। तो फर्स्ट मैच आफ्टरवर्ड्स उसके बाद फिर से स्वाइप होगा। तो ये बेस्ट ऑफ थ्री है, तो उसके बाद फिर टीम माफ होगा लेफ्ट साइड में। अगर आप लोग सुन रहे हैं और आपका दोस्त लोग कहीं बाहर किया है तो बुला लो सबको। मैच स्टार्ट होने वाला है अभी। जमा कर लो, अब है फाइनल मैच। सो गाइस बुला लो यार अपना जो भी पार्टनर्स है जिसको भी बुला लो। अभी अभी होने वाला है टीम क्राई वर्सेस टीम माफ के बीच में बैटल। तो जो ऑडियंस का इच्छा था टीम माफ और टीम क्राई के बीच में मैच का देखने का, तो वो अभी पूरा होने वाला है। तो बुला लो अपने अपने दोस्तों को सभी को। ये होने वाला है बेस्ट ऑफ थ्री। तो बेस्ट ऑफ थ्री है तो अभी देखते हैं क्या हो गया। सब लोग बाहर चला गया। दोनों गेम में ना एक ही टीम को पर्सन मिलेगा ना, पर्सन की तो चेंज हो जाएगा। दादा Oh my god.
So best of three here. आजाओ रियल आजाओ सब लोग आजाओ गाइस आ जाओ आ जाओ आ जाओ तो टिप्स तो आ चुका है आ गया है टीम क्राई का फैंस थोड़ा ज्यादा है इस बार तो
और भी फैंस को बुला रहा हूँ क्योंकि अभी और भी जरूरत पड़ने वाला है टीम ट्राई एटी माफ के लिए भी कि माफ कौन और भी चाहिए हम लोगों को और भी वोट चाहिए इतना कम वोट से नहीं होगा दोनों 50-50% ये तो नहीं चलेगा ना यार अपने दोस्तों को बुला लो अभी स्टार्ट होने वाला है टीम ट्राई ने बैट कर लिया है फेरापी सन एक्सपो अब बचा है टीम माफ की माफ का बैट करने का तो टीम माफ क्या बैट करने वाला है जल्दी से जल्दी बैट कर लो मेटिल्डा एम ले लिया सो टीम माफ की तरफ से है मेटिल्डा एम ले लिया सो लेट्स स्टार्ट द बैटल बैन हो चुका है चलो मार दो स्टार बेस्ट ऑफ थ्री होगा रे हाँ ठीक है योर टीम इज बैनिंग बैटल हैज बिगन टीम ट्राई है लेफ्ट कॉर्नर में एंड टीम माफ है राइट काइंडनेस इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू रुइनेशन Want to make friends with Nana? Your team is banning. The hunt begins. Your team is banning. Yours truly!
hope will find a way, even when all is forlorn. Fortune favors the gold. I mean, bold. I didn't cure the pain. Your team is picking. I've been waiting for too long. I might not be a lightning man, but I do know my traits. टिप ऑफ का ये है तीसरा पिक, उसी क्या पिक करने वाला है क्या कहता है उसे तो अब टिप ऑफ का है तीसरा बेट एंड अब इन लोग क्या बेट करने वाले हैं मेरे ख्याल से एक रोबर और एक एक्सपीलेनर बच गया और जंगलर एक बच गया है तो भारत जंगलर जंगलिंग करने वाला है या फिर एक्सपी जाने वाला है I am the power of light incarnate. Horology is my craft. Dicky is my name. I, Minotaur, will finish off what was left undone. So, ये लितो जो कि टीम माफ कर कितने फिर से पिक कर रहा है आपका मिनोटोर टीम क्राई का कैप्टन है रियो तो रियो आज क्या पिक करने वाला है See value in me? Money buzz feels amazing. Angela. Your team is picking. Wow. तो यहाँ टीम क्राइ का भी ऑलमोस्ट मतलब टैंकी है बहुत टैंकी टैंकी हीरो है एंड वही आपका टीम माफ का भी ऑलमोस्ट टैंकी हीरो ही है टैरोट भी टैंक आकाई का तरफ टीम माफ का तरफ से आकाई है जंगलर तो देखते हैं आकाई क्या कमाल करने वाला है अभी तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को बुला लो मैच स्टार्ट हो चुका है यह है फाइनल बैटल टीम माफ एंड टीम क्राई के बीच में बेस्ट ऑफ थ्री होने वाला है बेस्ट ऑफ थ्री में से ये फर्स्ट मैच है गेम वन लाइनअप ऊपर में है टीम क्राई नीचे में है टीम माफ Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. So, both teams have been jungle के लिए आगे हैं. तो Patriot इस पर red buff लेना चाहते हैं first. दोनों टीम अपना रेड बफ देखी पहले मिनोटोर या पहले की तरह से एक बार पोल पे ज्यादा नजर लगाया पोल पे क्या कह रहे हैं टीम माफ 59% है टीम क्राई 41% है चलो अभी भी समय है वोटिंग का वोट करो टोटल 17 लोगों ने वोटिंग किए हैं इतना लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक्स इतना कम क्यों यार लाइक कर दो यार तरह क्या हो गया वापस जाके रिपीटेशन
दबाना पड़ा अटैक को। या बॉटम लेन सो जो ये बॉय ये कतरा को बाप लिया है इसने थियोरी ने। अच्छा है नाइस। ओह नाइस नाइस। ओके या तो नाइस गिरी। अरे ऐसे कम नहीं है ना यार। अच्छा प्रोटेक्शन नाइस। अल्ती को कॉपी कर लिया है वैलेंटिना ने। या पेट्रिक नाइस। तो यहाँ इस बार बेहद एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्सप्लेन में यार कैरी पे दबा पड़ रहा है। देखते हैं इस बार क्या होगा। इतना कुछ डैमेज नहीं दे पाया। चलो होगा ये रेक्सेना का भी अच्छा अटेम्प्ट था अच्छा ट्राई था। तो टीम माफ का इस बार यूजों को बैन कर दिया है तो इसलिए कमजोर सा फील हो रहा है यार टीम माफ को। बैरक का थोड़ा माना खत्म हो गया इसलिए रिकॉल कर रहा है। चलो फिर बिल को देखते हैं। अभी आप एक्सेना अभी तक बूट्स नहीं लिया है वही वैलेंटिना ने बूट्स नहीं कर लिया लेकिन का जरूरत ही नहीं लग रहा है। लफा साइटर कंप्लीट कर लिया है एक्सेना ने एंड वही भारत भी अपना बूट्स नहीं लिया है और वो भी अपना फर्स्ट आइटम पूरा कर लिया है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो जो जिस ने बूट्स नहीं लिया है तो उन लोगों का फर्स्ट आइटम पूरा हो चुका है। वही आपका माफ का तरफ से भी देख सकते हैं क्राउड का एक आइटम पूरा हो गया है एंड बैलेंस भी आगे थोड़ा एडवांस आगे बढ़ रहे हैं आगे चल रहे हैं लेवल 6 हो चुका है। एक्सेना भी लेवल 6 है। ये टोटल अच्छा होने वाला है। अच्छा फ्रेंड अच्छा फंसा के रखा हुआ है लेकिन डैमेज नहीं किया थोड़ा भी कोई बात नहीं लगा या अच्छा सपोर्ट तो भारत भी पहुंच चुका है मिड लेन। डैमेज देते हैं चलो चलो ये फर्स्ट बता ले को देखो यार उसका प्लेसिंग इतना सुंदर है। ऊपर में देखते हैं क्या हो रहा है करते क्या डैमेज था। चलो कोई बात नहीं काफी क्राई तो फर्स्ट टारगेट लेने में कामयाब हो चुका है। डैमेज तो बढ़िया वाला है।
अरे दोस्त यू एड्रिन दोस्त क्या करेगा, हर कोई को सेटिस्फाई तो नहीं करा पाएगा ना, तो कोई बोलता है कि व्यस्त फ्री नहीं करो, कोई बोलता है कि करो, तो ये कमिटी का एक फाइनल डिसीजन था कि व्यस्त फ्री सिर्फ फाइनल मैच में ही कराएगा सब ओके, क्योंकि बहुत समय चला जाता है ना व्यस्त फ्री कराने के लिए, इसीलिए तो अब क्या करें, किस किस का बात सुने, आपका बात सुनू या फिर दूसरा का बात सुनू, कोई बात नहीं, आपने अपना ओपिनियन रखा, ये हम लोगों के लिए फीडबैक की तौर से आप लोग चलो गेम पे पढ़ते हैं यार, मेरा भारत को क्या बोलेगा तो दोनों एक एक टर्टल ले चुका है, अब ये तीसरा टर्टल मेरे ख्याल से तीन ट्राई को मिलने वाला है, इस बार डोमिनेट थे पूरा डोमिनेट कर रहा है पूरा, चलो बैरन डायरोस अब बॉटम लेन में, लेन को स्वैप करना चाहिए, लेन स्वैप करके ही आगे बढ़ते हैं ओके, ओके ब्रो आपका आपका जो भी फीडबैक दे रहा है उसको आप ले रहा है, तो सीजन टू में इस पर हम लोग काम करने वाला है, सीजन टू का थोड़ा गेम पैटर्न भी चेंज होगा अलग से आप करने वाले हैं, तीन माप जीतने वाला है, लेकिन अभी तीन क्राई थे सब कुछ चला गया है, देखते हैं आगे क्या होगा, थैंक यू अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए यहाँ पे, इससे आपका ओपिनियन से ही हम लोग आपका जितना भी क्या बोलते हैं सेटिस्फेक्शन जो लेवल होता है उस तक हम लोग जितना हो सकेगा करीब पहुंचने का कोशिश करेगा, क्योंकि आप लोग कुछ बेस करके आते हैं तो उसका भी वैल्यू दे देना चाहिए ऑर्गेनाइजर, आपका भी पॉइंट सही है, सो फर्स्ट लोड भरत पकड़ ले, पूरा गेम पानी चौपट कर रहे यार, अगर अकाई है तो मैक्सिमम भी कुछ कम नहीं है यार, तो अब क्लाउड फंस गया है, चलो फेजिन फर्स्ट स्लॉट ले चुका है, टीम क्राई एंड टीम ऑफ कोल्ड
में इतना डिफरेंस नहीं है, वही चिल में भी इतना डिफरेंस नहीं आ रहा है। जहाँ तक बीच का बात करें तो आपका एक्सपीरियंस है, तो बीच को आप देख सकते हैं। Let's see, अभी पुसी क्या करने वाला है। एंजेला एंजेला क्या बिल कर रहा है, मैच बिल यहाँ पे थोड़ा टैंकी टैंकी हीरो पिक कर रहा है ये लोग। और हुसैन सुसैन तो कुछ काम ही नहीं आता इधर में लग रहा है। अच्छा ओ एंजेला ओके नाइस एंजेला। अच्छा डिस्ट्रैक्शन था आपका। डैमेज फील कर रहा है, सेमी टैंक नहीं कर रहा है। और यहाँ हम लोग ऐसा बहुत देखा है कि केरी जो सेमी टैंक फील कर रहा है, लेकिन उसका केरी टोटली डैमेज फील कर रहा है। गाइस अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कर दो, लाइक तो बनता है यार। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, बस एक लाइक। शेयर भी कर दो ना, वैक्सीन है ना। So, यहाँ पे लोड टाइम आ चुका है, सेकंड लोड हुआ। ये क्या कर रहा है ये टीम? एंजेला पे हमला, एंजेला पे हमला, एंजेला पे उठ गए, लेकिन लोड तो हाथ से निकल गया टीम बाप का। सो ओके अभी फाइव बैरत क्या हो गया यार। वैक्सीना ओवर पावर हो गया लग रहा है। वैक्सीना के भी तो ये सेकंड लोड भर रहा है अपना फुल एचपी पे, उससे पहले क्या गेम खत्म हो जाएगा। मरना इतना मुश्किल है यार। जैसे बचाते प्रति मेरे तो चलो जैसे जैसे बच गया है, लेकिन पूरा जंगली आए थे तो खत्म हो चुका है आकाई का। तो दोनों टीम लेवल 50 हो चुका है, और टीम क्राई ऑलमोस्ट 50 सभी का सभी 50 हो चुका है। एंड टीम बाफ का थोड़ा से कमजोर लग रहा है वैलेंटिना, जो कि लेवल 13 पे है। एंड
आया थे, इनका जो गुणतोप है वो भी लेवल 13 पे है, तो जिसका वजह से थोड़ा डैमेज कम आ रहा है। गोल्ड पे यहाँ डिफरेंस है, गोल्ड पे यहाँ पे ऑलमोस्ट 5K का डिफरेंस है। देखते हैं ये हाईएस्ट गोल्ड कितना तक जाने वाला है। अभी तक 60 मिनट हो चुके हैं दोनों टीम। चलो एक माफ का तो इससे जी ताकि गेंग करो एक लेन पे डायरेक्ट। चलो फाइट नहीं ले देगा, अभी कॉल करो थोड़ा देरी के लिए। Nice. अभी तो क्लाउड अकेला क्या कर लेगा। विक्सिन का सबने सुनो तो फर्स्ट गेम जीत चुका है तीन स्ट्राइकर। तो अब बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। तो अब बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। अगले राउंड में आपका टीम माफ होगा लेफ्ट कॉर्नर पे एंड टीम ट्राई होगा। हाँ बेस्ट ऑफ थ्री है, तो बेस्ट ऑफ थ्री है। तो फर्स्ट मैच हो चुका है टीम ट्राई का, और अब देखते हैं सेकंड गेम। अगर सेकंड गेम भी टीम ट्राई का होगा तो फिर तीसरा मैच खेलेगा तो कुछ मतलब नहीं बनता है, तो विनर हो जाएगा आपका टीम ट्राई। लेकिन टीम माफ अगर जीत गया तो फिर अगर टीम माफ जीत जाएगा तो फिर मेरे ख्याल से होगा। टीम क्राई इस बार राइट साइड जाने वाले हैं, वही टीम माफ इस बार लेफ्ट साइड होगा। तो ये नया सीजन है, और नया सीजन में आते ही टीम क्राई का रायु जो है मीटिंग पहुंच चुका है, मीटिंग 15 पे आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो अब अभी तक कौन सा रैंक पे है प्लीज कमेंट में बता दीजिए एक बार। मेरा रैंक है अभी, मैं तो अभी तक इस पे हूँ। सॉरी अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ। हो गया, हाँ हाँ मैं अभी तक एपिक पे हूँ, मैं इतना गेम नहीं खेलता हूँ इसलिए। ऑडियंस क्या हो गया, आपका अंदाजा गलत हो रहा है। तो टीम माफ को इतना आप लोगों ने चरा के रख दिया है, और टीम माफ फर्स्ट बैटल तो हार चुका है, अब ये उसका सेकंड चांसेस है। तो सेकंड चांस में टीम माफ अगर जीतेगा तो तब ही थर्ड मैच होगा, और अगर टीम माफ हार गया तो फिर टीम क्राई हो जाएगा चैंपियन। ओके यू आई गॉट योर पॉइंट, मैं आपका पॉइंट को रखूंगा अपने मेंबर्स के सामने में, तो वो लोग भी देख रहे हैं अभी। तो नेक्स्ट सीजन में हम लोग जरूर कुछ अच्छा करने वाले हैं। बेस्ट ऑफ थ्री, तो अब हीरो बैन करने का समय आ चुका है। ओके, तो जितने लोगों ने
वोट किए हैं उतने लोगों, प्लीज लाइक भी कर दो यार, अगर आया है तो लाइक भी कर दो। देखते हैं क्या हो रहा है। सोतीप क्राई का तरफ से है फेरेमिस और एक्सबॉक्स फिर से तीप माफ का तरफ से क्या बैन होने वाला है। तीप माफ जल्दी बैन कर लो। So, अब चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बैटल की तरफ। हाँ हाँ कर दो हो गया। Your team is banning. Your team is banning. Kindness is the surest path to ruination. Team maaf hai left corner pe and right corner pe teen try. Zoom fir se ban ho chuka hai. In metal ka bhi fir se ban ho chuka hai. अब टीम क्राई क्या बैन करने वाला है। सी सी बहुत टीम माफ क्या बैन करने वाला है। अभी पहले तो और पैट्रिक तो बैन हो चुका है, तो अब ये क्या बैन करने वाले हैं। टेस्ला बच गया है, टेस्ला को भी बैन कर सकता है। मौका नहीं चलना चाहिए टेस्ला को बैन कर देने से, ठीक है या फिर Hunt for team cry. Your team is picking. चलो टीम माफ को इतना लोगों ने बड़ा चला के बोल दिया है, लेकिन टीम माफ तो हर रहा है। अब क्या होगा अगर अगर आप लोग टीम माफ के ऊपर में बाजी लगाते तो आप लोगों का पैसा डूब जाना था अभी। अरे यार क्या हो गया, टीम माफ बैन नहीं किया क्या, बिना बैन का जीतने वाला है क्या। Aerial assault unit awaiting orders. Your team is क्या होगा। चलो तो वोटिंग को I am the power of light incarnate. तो वोटिंग को मैं यहाँ बंद करता हूँ। I
do what I want to do. So team of the yahan pe nahi kiya hai lekin aage badhte hain, let's see kya hoga abhi. 3000 worlds and not a single worthy foe. Okay, is baar kaaja hai Vexena fir se. Vexena last time, last match ka Vexena to annoying tha. I am the priestess of primal lightning, the hunter of all the evil gods. Time to drop the beat of the flash. It's destined. Your team is destined. Him or this spin. Oh, Fini. Fini player bhi hai kya team right hai? Right, real. Haan, ye Fini bhi khelta tha na. Aaya wo sawa, thanks ki nahi yaar. लाइन अप हो चुका है, इसके बाद नीचे कुछ यूजफुल डिस्क्रिप्शन पे कुछ यूजफुल लिंक्स दिया गया है, तो आप लोग वहां से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं. वहां पे हम लोगों का फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है, यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है, उसके बाद प्रीवियस जो मैच था उसका लिंक दिया गया हुआ है, और आपको वहां पे सब लिंक मिल जाएगा. और नेक्स्ट टूर्नामेंट कब होगा, कैसे होगा, और उसका पोस्टरिंग कब है, वो सब भी पूरा आपको फेसबुक पेज पे ही मिल जाएगा. So let's go now. All troops deployed. Okay, Hayabusa. Oh, yahan pe kaza khada hua hai. Kaza kya karne wala hai, kuch is kamal karne wala hai, jo bhi karne wala hai shayad. Lekin Riti Mission hai na yaar Joy ka saath. Edit. ये भी एक अच्छा. ओ, ये दोनों क्या हो गए यार, क्या कर रहे हैं यार दोनों के दोनों. फोटो लेन में फाइट शुरू हो चुका है ऑलरेडी. नोवेरिया इस बार, नोवेरिया का कोई काउंट करो यार उसका टारगेट को. तो टीम बफ का ये लास्ट चांस है, तो टीम बफ अपना बेस्ट देने वाले हैं. ऑल राउंडर होना पड़ेगा यार टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए. नहीं, ऐसा बात नहीं, ऑल राउंडर का बात नहीं, आपका बस वो होना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्बो ना, स्किल्स अपने टीम मेट्स के साथ कॉम्बो प्रैक्टिस करो. कोई भी हीरो लो, स्किल तो सबका ऑलमोस्ट बराबर ही है. मिनी मैप देखने का आदत करो, इसका कॉम्बो अच्छा है, जो टीम का कॉम्बो अच्छा है वो टीम टू टीम जीतता ही है. देखो ना यार, देखो इंदु का कॉम्बो, देखो यार इंदु का फॉर्मेशंस देखो, सब कुछ बराबर है एकदम. टाइमिंग देखो एकदम, क्या सुंदर टाइमिंग है. आइया देखो, तो ये फर्स्ट टर्टल है. बच गया तो ना, सेकंड के लिए बच गया. Thank you.
तो जो भी नया मेंबर्स हम लोगों के साथ जुड़े हैं सबको वेलकम एंड इस चीज को प्लीज शेयर कर दीजिए कि हम लोग ऐसा टूर्नामेंट करते रहते हैं. ये तो है ऑफलाइन टूर्नामेंट और हम लोग ऑनलाइन टूर्नामेंट भी करते रहते हैं. तो अभी ये तो था सिर्फ अरुणाचल वासियों के लिए. तो ऑनलाइन टूर्नामेंट में तो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं तो उसमें तो और भी हाई स्किल्स वाला आपको देखने को मिलेगा. हर एक स्टेट से हर स्टेट का टॉप वन प्लेयर तो आते हैं. इवन इंडिया का टॉप वन प्लेयर्स भी आते हैं. रूबी कहाँ पहुंच गया यार. अच्छा है ये भी. यहाँ टीम क्राय स्कोर्स है 0-2. टीम माफ अभी तक अपना खाता नहीं खोला है. ऑलमोस्ट 4 मिनट तक हो चुका है. यहाँ बिल को देख रहे हैं किसका आइटम पूरा हो चुका है किसका. क्लाउड का फिर से आइटम पूरा हो चुका है. क्लाउड भी एक अकेला है जिसका गोल्ड सबसे ज़्यादा लग रहा है. Nice cloud, अच्छा pop कर रहा है. ये Edit और Ruby, आपको क्या लगता है Edit और Ruby अगर 1-1-1 होगा तो कौन जीतेगा? Hackers को hackers मतलब किस टाइप का hackers आपको देखने को मिलता है? क्योंकि Able में तो ज़्यादा hacker hacking का तो होता नहीं है. और हैकर आएगा तो हम लोग पहचान लेगा और उसी समय में डिस्क्वालीफाई कर लेगा. और किस टाइप का हैकर्स होते हैं आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? थोड़ा हमें भी जानना है हैकर्स मतलब किस टाइप का हैकर्स लोग. आप अगर अभी तक हैकर को फेस किए हैं तो मतलब किस टाइप का हैकर को अभी तक फेस किया है वो थोड़ा से बता दो. टीम क्राय हाई स्किल है यार. यार ये आया बता. ओय ओ आया बता. क्या पसा है अभी तो. ओके पिग हैक वेब हैकिंग तो पता नहीं लेकिन पिग हैक तो होता है. तो पिंग हैक होने का कारण तो वही है कि कोई VPN यूज करता है तो तभी हो जाता है. लेकिन सर्वर से भी होता है वो क्योंकि हम लोग ज़्यादातर वेस्ट बंगाल सर्वर का ही हम लोग लेते हैं पार्टिसिपेंट को. तो कोई बाहर का अगर सर्वर होगा तो तभी जाके नाइस. चलो चलो फाइट देखते हैं. गलती से मारा है ना जान उसके बारे में पता नहीं. अभी तो उसको ही पता है वो गलती मारा है ना जान उसके बारे में. लेकिन चलो रोमेरिया का फर्स्ट गेम था. वाह क्या डैमेज है यार. टीम माफ इस बार डोमिनेट कर रहा है यार. ये तो थोड़ा बाजी पलटता हुआ जैसा लग रहा है. अपना बेस्ट हीरो लेके खेल रहे लग रहे हैं. ओ रूबी कहा जाते उसको टाल लिया. रूबी भी कुछ कम नहीं है यार. कम ऑन ओवेरिया. तो ये है आपका थर्ड टर्टल. तो दोनों टीम ने एक एक टर्टल ले लिया है. गोल्ड पे ज़्यादा नहीं है दो 1K ऐसा का 2K ऐसा का डिफरेंस है.
यहाँ भूसा चुपके बिता हुआ है ताकि टर्टल को ले सके। ये कामयाब होगा? नहीं हुआ, लेट हो गया है थोड़ा। चलो इस बार तीन क्राय दो मिनट। अरे सच कर रहा है यार नोवेरियन। अजीब से देती है रे नोवेरिया। तू मेरे क्या करेगा? मरेगा मरेगा मरेगा। देखते हैं क्या बिल बना रहा है। इस बार तो लगता है कि माफ बाजी मरने वाला है। लगता है तीसरा मैच भी होके ही रहेगा आज। होगा 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 टीम तीसरा मैच भी होगा। जोई करते हैं तो पानी पानी बजा रहा है यार। नोट आने से पहले ही गेम खत्म करने वाला है यार टीम माप। टीम कर रहा है क्या? मजा कर रहा है क्या? टीम क्राई मजा कर रहा लग रहा है वो। फर्स्ट लोड असम था, लेवल 1 का लोड है। इतना कुछ काम नहीं कर पाया। इस बार तो पानी पानी बजा रहा है यार। तो स्कोर है 8-2। स्कोर में भी इतना डिफरेंस है। रूमी लंबा जाने वाला लग रहे हो। दोनों टीम का 1-1 स्कोर हो जाएगा तो फिर ये होगा ना। टीम माफ कुछ करो, गेम खत्म करो यार।
अच्छा एडप था, लेकिन कुछ समय के लिए लेट हो गया। नहीं, गलती हो गया। पानी पानी दे रही है टॉपिक तो लेव गया फिर रूबी का जैसे तैसे रूबी रूबी का पत्ती में लोड अच्छा बात है। नाइस खत्म करो गेम को, इतना लेट हो रहा है। यो बच गया। कम ऑन फिनिश करो। रूबी अरे नहीं सो तो सेकंड मैच हो चुका है टीम बाप का, तो अब होगा तीसरा राउंड। लेट्स गो फॉर तीसरा राउंड। क्या करेगा अभी। अभी तीसरा राउंड में ना मजा आने वाला है।
तो गाइस आप हैं अभी ये फाइनल बैटल, अभी ये मैच डिसाइड करेगा कि कौन है चैंपियन हम लोगों का, टीम क्राई या फिर टीम माफ, कौन होने वाला है कमेंट में बताओ आगे। सो यहाँ टीम आ गया है, तो अभी है बैनिंग का समय। तो टीम क्राई तो बैन कर लिया है फेरामिस और एक्सपो, अब टीम माफ का समय है। टीम माफ क्या बैन कर फेड्रिन और बैरेट। I would rather betray the world than let the world betray me. तो ब्लू कॉर्नर में है टीम माफ एंड रेड कॉर्नर में है टीम क्राई। टीम माफ बैन कर दिया है आपका यूज़ोंग। टीम क्राई always on the way. Your team is banning. दूसरा बैन क्या होने वाला है? The hunt begins. Your team is banning. एंड टीम क्राई क्या बैन करने वाला है? सॉरी ये ग्राफ थोड़ा से गलती हो गया, एक्चुअली मैं टीम क्राई। Your team is 3000 worlds. I'm not a single worthy foe. Let's hear from the crowd. Your team is make some noise for yours truly. सॉरी मैं गलती अनाउंस कर दिया, ये आपका टीम ब्लू कॉर्नर में है टीम क्राई एंड रेड कॉर्नर में है टीम माफ। तो लास्ट टाइम का रूबी का गेम को देख के शायद रूबी को बैन कर दिया है, यूजम को भी बैन कर दिया। तो आप टीम माफ क्या पिक करेगा? ओ त्रिजला, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सेसी मेरे ख्याल से सेसी थोड़ा भारी पड़ने वाला है। कोई बेंडिटर बेंडिटर से नहीं खेलता है क्या? सॉरी यार थोड़ा चीख निकल गया। माइक को म्यूट करना भी भूल गया। Horology is my craft, your tea is my name.
चलो टीम ऑफ ऑडियंस पूरा का पूरा ऑडियंस हमारे अरुणाचल एक्सट्रीम गेमर्स का ऑडियंस पूरा आपका सपोर्ट में है टीम ऑफ का। तो इस बार कुछ कमाल करके दिखाओ। सेकंड मैच सेकंड गेम जैसा था वैसे ही एकदम फाइनल से। Come on, Dexter. It's our show time. Time to drop the beat of your flesh. Tarun, क्या बात है? आपका लाइफ में क्यों पीस नहीं है? अरे भाई एक ही जिंदगी है ना यार, हंस हंस के जियो जितना दुख तकलीफ होने से। हंसते रहो और हंसाते रहो। I am the power of light incarnate. चलो तो आप करते हैं गेम की ओर। सॉरी यार एकदम सर्दी पहने है। Rocks need no protection. Time to take the field. Your team is picking. ये लास्ट मैच होने वाला है टीम क्राई और टीम माफ के बीच में। This will sting. ओ, ये क्या राजा की जंगलिंग कर रहा है? स्वैप कर लिया ये तो स्पेल टीम। ओके तो तीखी तक है तीखता भी है। तो ऊपर में है टीम क्राय और नीचे में है टीम माफ। ये पेज जो ये लोडिंग पेज है ना ये सबसे बोरिंग वाला पेज है लगता है। वो अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इसे डायरेक्ट स्किप कर देता डायरेक्ट बैटल ग्राउंड में लेके जाता लेकिन क्या करूं मेरे बस की बात नहीं है। चलो लेकिन गेम सबका हो चुका है हमने फुल बेट। लेट्स गो ऑन बेटर। तो दोनों होती टीम माफ की तरफ टीम माफ अपना ब्लू बफ में एंड टीम क्राई अपना रेड बफ में और यहाँ पक्षिया का हेल्प में रियो ने सॉरी आपका क्या है ये सेंटी का नारा को देख लिए हमारा विनर कैसे हो टीम क्राई जैसे हो। आपका जो फीलिंग्स है समझ रहे हैं हम भी। ये टीम माफ भी कुछ कम नहीं लग रहा है आज। टीम माफ का तरफ से कोई नारा देने वाला नहीं है क्या? कमेंट में लिख दो मैं उसे क्या बोलते हैं चिल्ला दूंगा आपका तरफ से। लॉन्ग लीव टीम माफ मत बोलो दे लेकिन। वाह क्या फाइट चल रही है बीच में डायरेक्ट।
पर तीन बॉफ इससे मुझे लग रहे थे ले लिया तो बच गया यार बाल बाल बच गया इस बार भूसी कुछ कमाल नहीं कर पाएगा जैसा लग रहा है क्योंकि सेसी का मूवमेंट भी स्पीड है और डैमेज भी है स्लो भी कर देता है फिर यूजम मिलता रहा यूजम होने से बढ़िया हो जाता है तो इस पर आपका टिप बाफ का तरफ से है डायरो हाइपर एंड उसका बिल्ड आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे क्या कर रहा है इधर सामने में ही रिकॉल कर रहा है चेयर रहा है मतलब पॉक कर रहा है ये तो प्लेट में इस पर ब्रूनो का क्या पहचान गया मजा कर रहा था स्टार्टिंग में अभी उसका असली चेहरा नजर आया दोनों टीम बराबर ऐसा टीम फाइट तो हम लोग मतलब लास्ट मैच में देखने को मिलता था यहाँ पे तो अभी 3 मिनट ही हुआ है पूरा एकदम ऐसा खेल रहा है कि मतलब कि क्या बोलेगा भूसी इसका तो पेट बन गया यार हम एक्सपी लेव में एकदम इससे अच्छा प्लेयर नहीं है क्या असली नाम क्या है पूछ के बता दूंगा आप सबको तो बिल तो देख लो यार यार सिर्फ इस पर बस के है चाल पे पब्लिक बुलाई होगी फिर से उसका कुछ कम नहीं है
अभी गोल्ड पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1891K का डिफरेंस है। अभी 6 मिनट भी हुआ है और थरेट यहाँ पे देखो कितना आगे चुका है, दोनों टीम बराबर का थरेट। यहाँ बक्सिया कुछ कमाल नहीं कर पा रहे इस बार। क्विक फाइट होने वाला है, फाइट होने वाला है। टीम क्राय भी कुछ कम नहीं है यार, बग बग के लड़ रहा है लेकिन बढ़िया लड़ रहा है। ओ इस बार तो टीम क्राय कौन जीतेगा यार, कंफ्यूज कर दिया क्या है यार, कंफ्यूज कर रहे हैं यार, कौन जीतने वाला है। को लेन को कैसा फ्रीज करके रखा हुआ है टॉप लेन और मिड लेन डायरेक्ट फ्रीज हो गया, कब्जा कर रहा है डायरेक्ट, डैमेज ही नहीं किसी का। कुछ भी नहीं, सब पक रहे हैं, सब पक रहे हैं, पक रहे हैं, पक रहे हैं। अल्टी तो ओ टीम बाप का अल्टी पूरा बच गया। अभी तक गलती बचा हुआ है वेलेंटीना और उसका क्या बोला था काजा का, सो ये फर्स्ट लोड लेवल 1 लोड टीम ट्राई तो डोमिनेट कर रहे हैं लेकिन गोल पे इतना डिफेंस नजर नहीं आ रहा है, अभी तक कवर कर सकते हैं टीम ट्राई। फर्स्ट लोड अपना फुल एचपी पे आगे बढ़ रहा है टॉप लेन से, लेट्स सी क्या होगा। ये क्या बिल्ड है सबका, बिल को देख लो वो देखना चाहता है। आगे बढ़ रहा है आजा। सो ये लोड फर्स्ट लोड लेवल 1 लोड इतना डैमेज तो नहीं दे पा रहे रख दिया अपना टीम को विजन बिगाड़ने के लिए। क्या
आप सेसी का तरफ से है सिमित और टेक विल के बाद इस बार इतना टेक की हीरो नहीं नजर नहीं आ रहा इनकी बाप का त्रिशला जो कि पूरा के पूरा टेक विल कर रहा है एंड काजा जो कि टेक विल कर रहा है ये भी इस बार थोड़ा सा एक एक सिर्फ आइटम लिया है टेक का बड़े दो आइटम अगर किसका बात करें तो केरी का किल है थ्री तो अब लगता है फाइट होने वाला है फाइट लेने वाला है टीम बाप लेट्स सी क्या होगा तो यहाँ अलर्ट कर रहा है खेल रहा है वो यहाँ तो पूरा स्पेटर हुआ है पूरा बिखरा पड़ा है टीम इधर से उधर कहाँ से कहाँ अच्छा स्ट्रेटजी है जो डैमेज डीलर है वो पीछे में रहते हैं हमेशा तो वो पीछे से पहले अटैक करना चाहिए तो टीम माफ का ये अच्छा स्ट्रेटजी है टीम क्राय को शायद समझ में नहीं आ रहा है ट्रेसला जो कि आसानी से डायरेक्ट पीछे जंप मार सकते हैं वेलेंटिना भी जंप मार सकता है ओके अब देखते हैं क्या होगा तो ये है सेकंड और तीसरा रोड अब देखते हैं क्या होगा क्या होगा अभी जैसे तैसे तो बचा लिया है अब आगे क्या होगा अभी तक दोनों एमएम जीता है हमारा चैंपियन जो कि है टीम ये सफर यही तक था तो सीजन वन यहाँ खत्म हो चुका है और हम लोगों को हमारा चैंपियन मिल चुका है चैंपियन है हमारा चैंपियन है टीम माफ तो लेट्स टीम माफ तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा देख के स्ट्रीट टूर्नामेंट अगर थोड़ा से भी अच्छा लगा है और थोड़ा से भी इम्प्रूवमेंट का कोई भी गुंजाइश है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा है सो गाइस यही तक था तो आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ तो सबको बाय बाय तो अब थोड़ा टीम्स के साथ मैं जाता हूँ टाटा बाय बाय